नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज के मीडिया वॉच में हम देखने की कोशिश करेंगे कि सरकार कैसे न्यूज एजेंसियों पर काबू पाने के लिए एक अघोषित सेंसरशिप लागू करने की कोशिश कर रही है। हम ये भी देखेंगे कि कैसे अमेरिका के बड़े बड़े कॉरपोरेट फेसबुक पर दबाव डाल रहे हैं कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर हेट कंटेंट रोके, उसको नियंत्रित करें और इसके लिए विज्ञापनों का बहिष्कार तक कर रहे हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि अर्णब गोस्वामी की हरकत ने किस तरह से एक बार फिर से पत्रकारिता को लांछित किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। दोस्तों, दुनिया भर के नेता सरकारें जानती हैं कि मीडिया को नियंत्रण करना कितना ज़रूरी है। मीडिया को नियंत्रण करके आप जनता को नियंत्रण कर सकते हैं। मीडिया बहुत पावरफुल हो गया है। मीडिया जनमानस का निर्माण करता है, जनमत का निर्माण करता है, वो सरकार के पक्ष में विपक्ष में लोगों को खड़ा कर देता है। इसलिए सारी सरकारें और सारे तमाम नेता दुनिया भर के कोशिश करते हैं कि हर तरह से मीडिया को नियंत्रित करें, कंट्रोल करें, और इसके लिए वे लोकतंत्र को भी दांव पर लगा रहे हैं। हम हिंदुस्तान में देख ही रहे हैं पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह से मीडिया को दबाया गया है। मीडिया एक तरह से उसके सुर में सुर मिलाने लगा है, उसकी गोदी में जा बैठा है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी सरकार को संतोष नहीं है। वो चाहती है वो कि एक भी मीडिया संस्थान ऐसा न हो जो उसके किए पर, उसके कामकाज पर कोई सवाल खड़ा करे, प्रश्न खड़ा करे या विरोध करे, या विरोधी पक्ष जो हैं उनको कोई स्पेस दे, अपने यहाँ कोई जगह दे उनके बयानों को, उनके विरोध को प्रकट करने के लिए। तो वो कोशिश ये है कि पूरा मीडिया, तमाम संगठन, तमाम संस्थान एक भोंपू की तरह काम करें सरकार के एजेंडे को आगे ले जाने के लिए। अब मोदी सरकार ने इसको पूरे मीडिया को मुट्ठी में करने के लिए अब न्यूज़ एजेंसीज़ को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। देश की सबसे बड़ी, बल्कि एशिया की जो विशालतम न्यूज़ एजेंसियां हैं उनमें एक है पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब इस पर सरकार ने निशाना साधा है। सरकार का निशाना साधा है प्रसार भारती के कंधे पर बंदूक रखकर, क्योंकि इस एजेंसी ने हाल में एक इंटरव्यू किया था चीनी राजदूत का, उसका बहाना बनाया गया है और कहा गया है कि वो देशद्रोह था उस तरह का इंटरव्यू करना, और उसके एवज में सरकार ने धमकाया है कि या तो हमारे एजेंडे पे चलो, हम जैसा चाहते हैं वैसा कंटेंट तैयार करो, अन्यथा प्रसार भारती तुम्हारी सेवाएं लेना बंद कर देगी। और सेवाएं बंद करने लेने का मतलब है कि साल के करोड़ों रुपए पीटीआई को ना मिलना, और जिससे जाहिर है कि पीटीआई कमज़ोर होगी, वित्तीय रूप से कमज़ोर हो जाएगी और धीरे धीरे वो बंद होने की कगार पर पहुंच सकती है। तो एक तरह की ब्लैकमेलिंग सरकार कर रही है पैसे न देने की धमकी देकर, और जाहिर है कि ये एक प्रेस का गला दबाने की कोशिश भी है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और बहुत सारे जो जर्नलिस्ट के संस्थान हैं, पत्रकारिता के संगठन हैं, उन्होंने इसका विरोध किया है कि ये एक नाजायज़ तरीका है, गलत तरीका है किसी भी लोकतंत्र में मीडिया को दबाने का। तो सरकार चाह रही है कि इस एजेंसी को, जिसमें कभी कभार, हालांकि पीटीआई की साख ऐसी नहीं है कि वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट रही हो कभी, लेकिन कभी कभार इस तरह की चीज़ें होती हैं जो सरकार के पक्ष में नहीं होती हैं, इतनी सहिष्णुता सरकार में होनी चाहिए कि कोई मीडिया में अगर कहीं कोई इस तरह की चीज़ें होती हैं तो वो उससे सबक ले, ना कि उसको दबाने की कोशिश करे। क्योंकि लोकतंत्र तो जवाबदेही से चलता है, सवाल जवाब से चलता है, बहस से चलता है, और मीडिया उसका हिस्सा माना जाता है। लेकिन सरकार को ये मंजूर नहीं है, जाहिर है, इसीलिए वो पीटीआई को अब दबाने कुचलने पर आमादा हो गई है। सरकार और भी एक काम कर रही है इस एजेंसी को दबाने के लिए, उसने दूसरी एजेंसी को ज़्यादा महत्व देना शुरू कर दिया है। एक एजेंसी है एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल, ANI, आपने देखा होगा कि तमाम चैनलों को वो कंटेंट देती है, न्यूज़ चैनलों को मोटे तौर पर वो विजुअल कंटेंट देती है, लेकिन जाहिर है उसके इरादे जो टेक्स्ट कंटेंट है वो देने में, उस दिशा में भी आगे बढ़ने के होंगे, और सरकार उसको बढ़ावा दे रही है कि
तमाम जो सरकारी कवरेज होते हैं, बड़े कवरेज होते हैं, उनमें उसे खास महत्व दिया जाता है, तरजीह दी जाती है। यहाँ तक कि दूरदर्शन और आकाशवाणी को भी जितना महत्व नहीं दिया जाता, कई बार उतना उसे दिया जाता है। उसे तमाम विदेशी दौरों में साथ ले जाया जाता है, और प्रधानमंत्री को भी जब इंटरव्यू देना होता है तो वो इसी एजेंसी को चुनते हैं, क्योंकि ये एजेंसी पुरानी वफादार है, संघ परिवार की वफादार है। उसकी आइडियोलॉजी, उसका जिस तरह से वो चलती है, जिस तरह के कंटेंट देती है, उसमें एक खास तरह का रुझान हमेशा रहा है और वो संघ के प्रति झुका हुआ रहा है। तो इस एजेंसी को सरकार लगातार बढ़ावा दे रही है। जाहिर है कि वो चाहते ही कि दूसरी एजेंसी कमज़ोर हो जाए या ख़त्म हो जाए, और ये एजेंसी जो हमारी वफादार है वो मजबूती से खड़ी हो जाए, ताकि हमारा प्रोपेगंडा और भी प्रभावशाली ढंग से हो सके। अब ये बहुत ही नकारात्मक प्रवृत्ति है एक लोकतंत्र में, कि वैसे ही हमारे यहाँ मीडिया बहुत कमज़ोर हो चुका है, गोदी मीडिया बन चुका है, भक्त मीडिया बन चुका है, उसमें भी जो कुछ एक संस्थान थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं उनका भी गला दबाया जा रहा है। इससे ये न लोकतंत्र के लिए अच्छा है, ना ही हमारे देश के लिए अच्छा है। ये तो एक तरह से अघोषित सेंसरशिप है। इमरजेंसी का विरोध करने वाले अघोषित आपातकाल में अघोषित सेंसरशिप के जरिए मीडिया कंट्रोल करने जा रहे हैं। वो जाहिर है कि अभी 25 जून को जब इमरजेंसी की 45वीं बरसी मनाई जा रही थी, तब इसी सरकार के तमाम मंत्री, प्रधानमंत्री तक कह रहे थे कि इमरजेंसी कितना काला समय था, और डेफिनेटली वो काला समय था। लेकिन अब जो वो कर रहे हैं वो भी एक ऐसा ही इमरजेंसी का रूप हमारे सामने पेश कर रहे हैं। जाहिर है कि उनके बातों में कथनी और करनी में फ़र्क है, और एक तरह का पाखंड है। दोस्तों, आप तो जानते हैं कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड की जो हत्या की गई थी पुलिस द्वारा, उसके बाद से वहाँ बड़ा ज़बरदस्त आंदोलन लगातार चल रहा है, प्रदर्शन चल रहे हैं। वहाँ ब्लैक लाइव्स मैटर नाम के अभियान ने एक बड़ा असर छोड़ा है पूरे समाज पर और अमेरिकी मीडिया पर भी। इसकी चर्चा हम पिछले एपिसोड में कर भी चुके हैं, लेकिन अब इसका असर हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दिखना शुरू हो रहा है, क्योंकि वहाँ एक अभियान शुरू हो गया है, स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट। अब इस अभियान के तहत सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने कंटेंट में जो हेट कंटेंट है उसको रोकने की कोशिश करें। ये जो अभियान चलाने वाले हैं, इनका कहना है कि सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हेट कंटेंट है, और ये सोशल मीडिया कंपनियां उसको रोकने की कोई ईमानदार कोशिश नहीं करती हैं, क्योंकि हेट कंटेंट की वजह से उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, उनका प्रॉफिट बढ़ता है। जितने ज़्यादा दर्शक, जितने ज़्यादा यूज़र जुड़ते जाते हैं इन प्लेटफॉर्म पर, उतना उनकी कमाई भी बढ़ती जाती है। और फेसबुक पर ये लगातार दबाव भी पड़ रहा था, क्योंकि फेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इस तरह की हरकतें ज़्यादा हो रही हैं, और मार्क जकरबर्ग इसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हैं। तो एक दबाव पड़ रहा था, जिसकी वजह से अब हुआ ये है कि अमेरिका के बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने दबाव डाला है फेसबुक पर और बहिष्कार शुरू कर दिया है कि अगर आप हेट कंटेंट को कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम अपने विज्ञापन आपको नहीं देंगे, बल्कि विज्ञापन देना उन्होंने बंद कर दिया है। तो जाहिर है कि इसका असर पड़ रहा है, फेसबुक पर दबाव है, जकरबर्ग कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो कॉरपोरेट्स हैं उनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि अभी ऐसा दबाव डालना उनको सुविधाजनक लग रहा है और फ़ायदेमंद भी लग रहा है, क्योंकि इससे एक तो उनकी छवि बन रही है कि वो हेट कंटेंट के विरोधी हैं, वो रंगभेद के विरोधी हैं। दूसरा, अभी चूँकि तमाम जगह बंदी चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से डिमांड भी कम है, तो ऐसे समय में विज्ञापन न देना भी फ़ायदेमंद है। लेकिन जो भी है, ये असर फेसबुक पर पड़ रहा है, दबाव से फेसबुक पर पड़ रहा है। फेसबुक में अंदर से भी दबाव पड़ रहा था शुरू में ही, फेसबुक के एम्प्लॉयज़ ने ही ये दबाव डाला था जकरबर्ग पर कि आप इसको रोकिए, ख़ासतौर से रंग भेदी जो कंटेंट आ रहा था उसको रोकने के लिए बहुत दबाव डाला गया था। और उस समय जो जकरबर्ग साहब हैं उनका रवैया बड़ा ढीला ढाला था, जिसका पूरी दुनिया भर में जिसकी निंदा भी की गई थी। लेकिन अब जाहिर है कि एक आर्थिक दबाव जब पड़ रहा है, और अगर उन्हें ये भी आशंका है कि अगर ये बढ़ने पाया तो जाहिर है कि बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है फेसबुक को, तो
एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया भर में बहुत सारे देश हैं, खासतौर से यूरोप के बहुत सारे देश हैं जो फेसबुक से बहुत नाखुश हैं उसके हेट कंटेंट की वजह से, और उन्होंने अपने यहाँ बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस भी बनाए हैं इसको रोकने के लिए। हिंदुस्तान में भी ऐसे नियम कानून बनाने की कोशिशें चल रही हैं, किस अंजाम तक पहुंची है, किस मुकाम तक पहुंची है हमको नहीं पता है, लेकिन यहाँ भी कोशिशें चल रही। तो फेसबुक एक अड्डा बना हुआ हेट कंटेंट का, और हम ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान में भी फेसबुक का इस्तेमाल नफ़रत फैलाने के लिए, हिंसा फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर हो रहा है, ख़ासतौर से जो तथाकथित राष्ट्रवादी लोग हैं वो धार्मिक आधार पर बड़े पैमाने पर दूसरे धर्मों के प्रति नफ़रत का वातावरण बनाने के लिए इस तरह का कंटेंट फेसबुक में डाल रहे हैं। राजनीतिक दल हैं, बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो एक ख़ास राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, वो भी इसका इस्तेमाल इस तरह से कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ जो फेसबुक का माहौल है वो एक गटर जैसा हो गया है, हिंसा और नफरत से बजबजा रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमारे यहाँ भी आवाज़ उठनी चाहिए थी, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं रहा है, हमारे यहाँ वैसी जागृति नहीं है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो मीडिया है उसका रोल बहुत ही नकारात्मक है, वो इस तरफ कोई अगर अमेरिका में अभियान चल रहा है तो उस अभियान को वो यहाँ भी छेड़ सकता था, आगे बढ़ा सकता था, जिस तरह से मीटू का कैंपेन जब अमेरिका में शुरू हुआ था तो हिंदुस्तान में भी आ गया था, लेकिन शायद मीटू कैंपेन में चूंकि सेक्स था, क्राइम था, एक्सप्लॉयटेशन था, तरह तरह की मसालेदार खबरें थी, इसलिए उसकी उसमें दिलचस्पी ज़्यादा थी, उसने उसको ज़्यादा आगे बढ़ाया। अब इसमें दिक्कत ये हो रही होगी कि जिस वर्ग का और जिस वर्ण का पूरे मीडिया में भारत में कब्जा है, उसको लग रहा होगा कि अगर इस तरह के भेदभाव वाली जो कंटेंट है उसके खिलाफ़ अभियान छेड़ेंगे, यानी स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट वाला अभियान छेड़ेंगे, तो कहीं ये उनके वर्चस्व को ही चुनौती देना न लग जाए, क्योंकि हमारा मीडिया में एक तरह के लोग काबिज़ हैं, हावी हैं, और वो अपने तरह से कंटेंट को बनाते हैं, और वो खुद भी घृणा फैलाने वाले कंटेंट के निर्माता भी हैं। वो भी आप जानते हैं, बहुत सारे चैनलों पे बहुत सारे एंकर, बहुत सारे रिपोर्टर्स लगातार यही काम करते रहते हैं, हेट कंटेंट जनरेट करते रहते हैं, और सोशल मीडिया पर भी उनकी हरकतें अगर आप देखेंगे तो वहाँ भी उसी तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। तो वो इस तरह की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारे कॉरपोरेट के पास तो कोई ज़मीर है नहीं, वो कभी इस कैंपेन में शामिल नहीं होगा कि जो अगर बहुत सारे दुनिया भर के नामी गिरामी जो कॉरपोरेट हैं अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनके साथ शामिल होकर फेसबुक में पर दबाव डाले, वो भी ऐसे नहीं करने जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये कि बड़ी नकारात्मक स्थिति है हिंदुस्तान में, हमारा मीडिया सुलाने का काम करता है, जगाने का काम नहीं करता है। उसको लगता है कि जाग जाएंगे तो ये दिक्कत हो जाएगी, सवाल पूछने लगेंगे, और वैसे भी हमारे पूरे मीडिया की जो छवि बन गई है उसकी इस नकारात्मकता की वजह से, उसकी वजह से भी वो कुछ भी अगर पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक पाखंडपना उनका आ जाएगा, इसलिए शायद वो बच रहे हैं, लेकिन ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। ऐसी स्थिति में तो यही होता है जैसे अमेरिका में जो नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले संगठन हैं, लोग हैं, उनको आगे आकर एक कैंपेन उन्होंने छेड़ी है, उसी तरह से हिंदुस्तान में भी जो जागरूक नागरिक हैं, सिविल राइट्स के लिए लड़ने वाले लोग हैं, उनको एकजुट होकर इस तरह की कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहिए और मीडिया पर दबाव बनाना चाहिए कि वो हेट कंटेंट को बाहर करे, हेट कंटेंट को रोके, उस पर लगाम लगाए, उस पर अंकुश लगाए। दोस्तों, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे एंकर हैं जिनकी वीडियो क्लिप दिखाकर पत्रकारिता के छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा सकता है, उन्हें समझाया जा सकता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे एक एक एंकर की क्लिप दिखाकर ये बताया जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी और निज़ामुद्दीन चिश्ती में फ़र्क है और ये ध्यान में रखा जाना चाहिए, अन्यथा उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसलिए अनपढ़ न रहें आप, ये पहला सबक आप सीख लें। एक एंकर की क्लिप दिखाकर ये समझाया जा सकता है कि थोड़ा आपके पास तार्किक बुद्धि होनी चाहिए, थोड़ा वैज्ञानिक समझ होनी चाहिए, ताकि आप 2000 के नोट में चिप का होना मान न लें और उसको सैटेलाइट से ट्रैक करने की बात भी स्वीकार न कर लें और फिर उसको सार्वजनिक रूप से टेलीविज़न पर बताने भी न लगें पूरे आत्मविश्वास के साथ और इससे आपकी जग हंसाई हो। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के उदाहरण, इस तरह के वीडियो क्लिप हमारे यहाँ भरे पड़े हैं और ये छात्र छात्राओं को पढ़ाने के लिए, जो पत्रकारिता के छात्र छात्रा हैं उनको पढ़ाने के लिए ज़रूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ऐसे तो कई एंकर हैं, लेकिन एक उदाहरण
एंकरों के मामले में हमारे अर्णब गोस्वामी साहब हैं, जिनके बहुत सारे कर्तव्य हैं, बहुत सारी हरकतें ऐसी हैं जो भावी एंकरों के लिए एक वर्कशॉप की सीरीज आयोजित करने में काम आ सकती हैं। अब देखिए कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को किस तरह से संबोधित किया एक अपने प्रोग्राम में। वे अपने कार्यक्रम में बघेल को सोनिया गांधी का चमचा बता रहे थे और बहुत ही घटिया अंदाज में उन्हें चुनौती भी दे रहे थे। हालांकि इसके पहले वे सोनिया गांधी के बारे में भी अशोभनीय शब्द इस्तेमाल कर चुके थे, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल कर चुके थे, गलत तथ्यों का इस्तेमाल किया था, उनको बदनाम करने की, उनको उनके अपमान करने की भाषा का इस्तेमाल किया था, और ये वो पता नहीं कितने और लोगों के साथ भी कर चुके हैं, करते रहेंगे। ये उनके एंकरिंग का स्टाइल है जिससे बचा जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि एंकर को संयमित और मर्यादित होना चाहिए, न केवल उसकी शाब्दिक भाषा संतुलित होनी चाहिए, नियंत्रित होनी चाहिए, बल्कि उसकी जो आंगिक भाषा है जिसे आप बॉडी लैंग्वेज कहते हैं वो भी ठीक होनी चाहिए, वो अर्णब गोस्वामी की तरह की कतई नहीं होनी चाहिए। आपके पास एक चैनल है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसका दुरुपयोग दूसरों को बदनाम करने के लिए, दूसरों को अपमानित करने के लिए या अपनी मनमानी करने के लिए करेंगे। ये जन माध्यम इसलिए होते हैं कि आप जनता से संवाद करते हैं, जनता को जानकारियाँ देते हैं, जनता के व्यू पॉइंट को जगह देते हैं। अपने व्यू पॉइंट को इस तरह से प्रस्तुत करना पूर्वाग्रहों से, दूराग्रहों से ग्रसित होकर, ये पत्रकारिता नहीं है, ये अलोकतांत्रिक है, अमर्यादित है, और पत्रकारिता तो वैसे है ही नहीं। वैसे अर्णब की एंकरिंग को एंकरिंग के दायरे में भी अब नहीं रखा जा सकता है, वे तो दरअसल एक पार्टी के प्रचारक हैं, प्रोपेगंडिस्ट हैं। इसलिए भावी एंकरों को अर्णब की क्लिप के जरिए प्रोपेगंडा के बारे में बताया जाना चाहिए कि एक पत्रकारिता और प्रोपेगंडा में क्या फ़र्क होता है। एक जो पत्रकार है वो जब पत्रकारिता या एंकर के तौर पर किसी प्रोग्राम को प्रस्तुत करता है तो वो किस तरह से करता है, और जब वो प्रोपेगंडिस्ट हो जाता है तो वो किस रूप में आता है, तो उसके लिए अर्णब गोस्वामी एक मिसाल हो सकते हैं, एक मॉडल हो सकते हैं। वास्तव में देखा जाए तो अर्णब गोस्वामी एक बैड प्रोपेगंडिस्ट भी हैं, बुरे प्रचारक के उदाहरण भी हैं। उनको देखकर लोग उनके प्रोडक्ट से नफरत करने लग सकते हैं। जाहिर है कि अर्णब गोस्वामी की अभी फॉलोइंग होगी, लेकिन जितने भी समझदार लोग हैं, थोड़ा भी समझदारी होगी, वो अर्णब गोस्वामी के ना प्रोग्राम को पसंद करेंगे, ना उनकी एंकरिंग की स्टाइल को पसंद करेंगे, और ना ही वो जिस तरह से अपने चैनल को चलाते हैं उसको पसंद करेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का मीडिया वाच। ये तीन प्रमुख विषय इस हफ्ते के जो हमने उठाए थे आपके सामने रखने के लिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे और आप इनको इनके बारे में सोचेंगे, इनके बारे में अपनी प्रतिक्रिया देंगे कमेंट बॉक्स में, और इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही डीबी लाइव चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। मैं अगले हफ्ते फिर हाजिर हूँगा 2-3 बड़े मुद्दों के साथ। उम्मीद है कि आप भी हमारे साथ होंगे। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।